हाँ तो भाई मेरे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के प्रॉक्सी के बारे में, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होने वाला है, प्रैक्टिकल से कम, क्योंकि ये एकदम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि मतलब एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वाल्टियो का, तो मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बनाते हैं, तो जैसा भी है वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं जिसमें होता है बेसिक क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, उसमें क्या क्या डेटा टाइप है, ये सारा कुछ होता है। तो वाल्टियो अगर स्टेट मैनेजमेंट का बात करें तो भाई इस पे जो है, इसका जो बेसिक, ये एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है वह है प्रॉक्सी पे, ठीक है। अब देखो, प्रॉक्सी से कन्फ्यूजन इसीलिए आपको क्रिएट हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है प्रॉक्सी बोल के, ठीक है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी यहाँ पे उसको मिला दूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अगर बोल देना अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक फीचर है प्रॉक्सी बोल के, और यहाँ पे मेरे को प्रॉक्सी लिखा हुआ दिख रहा है। अब अगर आपको दोनों पता तो फिर और कन्फ्यूजन हो जाएगा, भाई ये क्या मतलब, अगर आपको नहीं पता था तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो भाई अपने को लगेगा कि ये कोई नया चीज़ है जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का पार्ट है, लेकिन नहीं, ये प्रॉक्सी वाला जो बात हो रहा है वो जो है दोनों में ही है। अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, मतलब सिंपल एकदम समझेंगे, लेकिन उतना भी यहाँ पर डीपली उस टॉपिक को टच नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉक्सी है, क्योंकि ये लाइब्रेरी के बारे में बातचीत हो रहा है तो इसको समझेंगे, ठीक है। यही सेम काउंटर एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ करना नहीं, हम लोग को कोई कोड नहीं करना, बट समझना सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा ये। तो प्रॉक्सी के बारे में बात करेंगे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा ताकि ना ऐसे बताऊंगा तो आपको सब कहानी जैसा मतलब लगेगा कि यार कुछ भी बोल रहा है, कहीं से ही बोल रहा है, और कुछ भी मतलब होता है ना, वो सुनने में समझ में आता है लेकिन फिर भाई दिमाग से निकल जाता, तो मैं क्वेश्चन बना के रखा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रहे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई प्रॉक्सी है क्या, यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, अगर हम लोग यहाँ पर वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो इसी 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 से बात करेंगे, मतलब इसी से पूछ रहे हैं एक तरह समझ ले। तो भाई यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट वाला प्रॉक्सी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में भी एक प्रॉक्सी बोल के है, और कहीं कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, बट उसके बारे में बाद में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भाई प्रॉक्सी क्या, तो भाई प्रॉक्सी अगर एकदम बेसिक लेवल में बोला जाए एक फंक्शन है, ठीक है, पहले बोल सकते हो भाई प्रॉक्सी एक नाम है, ठीक है, किसका नाम है, एक फंक्शन का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो एक फंक्शन प्रॉक्सी क्या है, एक फंक्शन है। अब बोलो भाई कैसे, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है, तो ये प्रॉक्सी को हमने इंपोर्ट किया ना, तो यहाँ पर अगर माउस लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा, अरे यार ये देखो यहाँ पे, अरे यार है, ओहो हट क्यों जा रहा है, ये देखो फंक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन और फिर प्रॉक्सी लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी हमने इंपोर्ट किया है ये फंक्शन है, ये तो क्लियर हो गया, प्रॉक्सी क्या, एक फंक्शन है। अच्छा तो भाई प्रॉक्सी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, अब भाई हमें तो पता चल गया प्रॉक्सी क्या है, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं हम लोग अपना स्टोर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि भाई स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, स्टेट कहाँ होता है, स्टोर के अंदर होता है, ठीक है, तो वही हो गया बात कि हम लोग क्यों प्रॉक्सी का यूज़ क्यों कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भाई प्रॉक्सी का यूज़ हम लोग अपने स्टोर क्रिएट करने के लिए करते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी क्या लेता है, मतलब वो फंक्शन क्या लेता है, ठीक है, जैसे होता है ना कोई ना कोई, जैसे आप ऐड फंक्शन बनाया उसमें दो नंबर को जोड़ना है, तो भाई वो क्या लेता है, एक नंबर वन और नंबर टू, दो नंबर लेगा आर्गुमेंट में वैल्यू, दोनों को जोड़ के दे देगा, ठीक है। किसी के नंबर का पावर निकालना है तो भाई उसका पावर निकालने को वो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसके साथ, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, वो तो अलग या जो भी हो, मतलब हाँ उसका पावर पावर निकालना है, तो भाई मतलब यार ठीक है जो भी हो, मैथ्स का थोड़ा टॉपिक आ जाता है इसीलिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर पावर निकालना, जैसे 2 to the power 4 बोलते हैं तो फिर पहले उसमें भी दो लेते हैं, ठीक है, या किसी का भाई एक्सपोनेंट वैल्यू अगर निकालना है तो फिर उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी का है कि भाई प्रॉक्सी जो फंक्शन है क्या लेता है, तो प्रॉक्सी फंक्शन सिंपली ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉक्सी फंक्शन को जब हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ना, प्रॉक्सी फंक्शन को हमने जब कॉल किया तो हमने क्या पास किया, इसमें ऑब्जेक्ट पास किया, तो प्रॉक्सी फंक्शन क्या लेता है, सिंपली ऑब्जेक्ट लेता है, यहाँ पर कुछ नहीं भाई, कुछ और पास करवा दे रहे अपन, कुछ कॉल बैक फंक्शन दे दे रहे हैं या फिर एक्स वाई जेड एबीसीडी, ऐसा नहीं है। प्रॉक्सी फंक्शन क्या लेता है, फंक्शन को कॉल करते वक्त ये ऑब्जेक्ट लेता है। तो भाई तीसरा फंक्शन भी क्लियर हो गया अपना। तो अब भाई सवाल यहाँ पर यह आता है जो कि मैंने लिखा नहीं लेकिन अभी मेरे दिमाग में है कि भाई प्रॉक्सी फंक्शन जो ऑब्जेक्ट लेता है तो इस ऑब्जेक्ट का करता क्या, मतलब क्या करता है इस ऑब्जेक्ट का, ले तो लिया ऑब्जेक्ट को लेकिन क्या करता है इस ऑब्जेक्ट का, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलो इसको ना मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ भाई क्या करता है ये फंक्शन, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ ना थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली मैं अपना बताता हूँ, देखो प्रॉक्सी फंक्शन क्या करता है, ट्रैक करता है जो भी चेंजेस होता है इस प्रॉक्सी फंक्शन के अंदर, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यानी ये स्टोर की, देखो प्रॉक्सी फंक्शन की यूज़ करते पता हो गया कि हम लोग अपना स्टोर क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो स्टोर के अंदर क्या होता है, स्टेट होता है, यानी ये जो काउंटर 11 लिखा हुआ है या फिर कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स का डेटा, ऑथेंटिकेशन वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ, ठीक है। तो हमारा जो इसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया हुआ ना, तो इसमें जो भी चेंजेस होगा उसको ट्रैक करता है। ट्रैक करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ में जब होता है ना कि भाई कहाँ पे उसका लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है, हर एक सेकेंड का पल पल का खबर निकालते हैं कि हाँ अभी ये यहाँ पर है, अभी ये यहाँ पर है,
और उसको पकड़ लो वगैरह वगैरह जो चलता है सीन वेब सीरीज और मूवीज में। तो सेम टू सेम समझ लो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि भाई जो प्रॉक्सी फंक्शन है सिंपली क्या करता है, ट्रैक करता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चेंजेस हो गए, जैसे कि हम लोग इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं या जो भी है, यहाँ पर सिंपल काउंटर एप्लीकेशन है बट ये कोई भी बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है। तो जो भी चेंजेस होगा ना उसको ट्रैक करता है ये प्रॉक्सी फंक्शन, ठीक है। प्रॉक्सी क्या करता है उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो उस उन चीज़ों को ट्रैक करता है। अब मैं बताता हूँ आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट प्योर जावास्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट में है और यहाँ पे प्रॉक्सी नाम का फंक्शन है, तो भाई क्या झोल जाले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज पर जाते हैं वाल्टियो का। बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, कुछ इंग्लिश में यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ सीन नहीं होने वाला, सिंपल ये चार पांच वर्ड का सीन है। देख लो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, वाल्टियोज प्रॉक्सी। वाल्टियोज का जो प्रॉक्सी है टर्न्स द ऑब्जेक्ट, माने भाई ऑब्जेक्ट को टर्न्स करना मतलब वही ना हुआ, उसको मतलब कन्वर्ट कर देना एक तरह से, मतलब उसको बदल देना है, ठीक है। तो वाल्टियोज प्रॉक्सी टर्न्स द ऑब्जेक्ट यू पास इट इन टू ए सेल्फ अवेयर प्रॉक्सी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ इस लाइन का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है भाई, कि वाल्टियो क्या करता है, वाल्टियोज का जो प्रॉक्सी हमने इंपोर्ट किया ना उस प्रॉक्सी के बारे में बात हो रहा है। ये जो प्रॉक्सी यहाँ लिखा वाल्टियोज प्रॉक्सी यानी वाल्टियोज जो है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, उसका प्रॉक्सी क्या करता है, जो आप ऑब्जेक्ट उसमें पास करते हो कॉल करते वक्त ना, उस प्रॉक्सी को वो सेल्फ अवेयर प्रॉक्सी यानी जो जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉक्सी है ना उस पे वो कन्वर्ट कर देता है, एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। अल्टीमेटली वो कन्वर्ट करता है उसमें, तो फिर वही बात हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको समझने के लिए आपको ना फिर जावास्क्रिप्ट प्रॉक्सी समझना है, भाई कोई ज़रूरत नहीं उसको समझना, उससे कोई आपको मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आप एप्लीकेशन बनाने बैठे हो या फिर वो प्रॉक्सी समझने बैठे हो तो कोई सीन नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता कि आप चल जाओ। अगर आपको चाहिए वीडियो तो बोल देना, मैं बना दूंगा उस वीडियो, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा या प्रॉक्सी समझना होगा, भाई क्या है चलो अपना फिर जाते हैं जावास्क्रिप्ट तो प्रॉक्सी सीखना, ऐसा कुछ नहीं करना होगा, वो कोई मतलब ही नहीं रखना उससे, ठीक है। आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस बता दिए कि भाई वो प्रॉक्सी एक तरह से प्योर जावास्क्रिप्ट का प्रॉक्सी है, ठीक है। तो क्या करता है, जब भी हम लोग प्रॉक्सी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये इस ऑब्जेक्ट को लेता है और इसको एक जो जावास्क्रिप्ट का प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट है उसमें वो कन्वर्ट कर देता है, और क्योंकि उस प्रॉक्सी का ही वो कॉन्सेप्ट है वो ट्रैक करने वाला, इसका खुद का ऐसा नहीं कि इसका उसी प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सर्च करोगे ना तो उसमें मिल जाएगा गूगल पे भी। तो क्या करता है प्रॉक्सी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस होता है ना उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब कुछ और थियोरिटिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में म्यूटेट फ्रॉम एनीवेयर। तो भाई म्यूटेट का क्या मतलब होता है कि आप ना उस चीज़ को कहीं भी चेंज कहीं से भी चेंज कर सकते हो। म्यूटेट फ्रॉम एनीवेयर, म्यूटेट का मतलब होता है कि उसको उसमें बदलाव करना, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करना, अपडेट करना, डिलीट करना, कुछ भी हो सकता है, वो चेंजेस को ही म्यूटेट बोलते हैं। तो म्यूटेट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, मैं एवरीवेयर बोल रहा था, तो एनीवेयर, हाँ वही मतलब है कि भाई कहीं से भी म्यूटेट किया जा सकता है, यानी कहीं से भी चेंजेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे यहीं से बदलना है स्टोर डॉट से तो मैं यहीं से बदल सकता हूँ, जैसे मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टोर डॉट काउंटर प्लस प्लस ऐसा अगर लिखूंगा और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना लेके जाता हूँ, ये देखो 12 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी चेंज कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप फ्रीडम है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें तो भाई ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही थ्योरिटिकल हो जाता है क्योंकि बहुत बोरिंग सा लगता है भाई, क्या ऑप्टिमाइजेशन मतलब, क्या मेरे कुछ मिलने थोड़ी जा रहा है भाई ऑप्टिमाइजेशन मतलब, एक होता ना बाकी भाई कुछ यू आई में इफेक्ट नहीं दिखता ना नॉर्मली, जैसे कुछ हम लोग लिखे अभी अभी इससे पहले जो कोड लिखे तो यू आई में दिखा, अब ऑप्टिमाइजेशन बोले तो कुछ दिख थोड़ी रहा है, तो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट टेंशन मतलब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो भाई मेरा ऑप्टिमाइजेशन में वाल्टियो का क्या कहना है कि अगर आप एक ही वैल्यू को फिर से अगर रिपीट करते हो, यानी कि सेम वैल्यू को फिर से सेट करते हो, मान लो अपडेट भी कर रहे हो बट सेम ही वैल्यू को रख रहे हो फिर से ना, तो इग्नोर कर देगा और आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। अगर री रेंडर नहीं होता तो भाई नॉर्मल काउंटर एप्लीकेशन में री रेंडरिंग का कोई मतलब भी नहीं होता, आपको यहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आएगा, मतलब ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा बट यहाँ पर कुछ सीन नहीं वैसा बनने वाला है कि हाँ चलो भाई कुछ मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वहाँ पर री रेंडरिंग को काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भाई कंपोनेंट बिना मतलब के रेंडर ना हो। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया भाई, जो कि लगेगा फिर ऐसा मतलब वो मन से भाई ये निकलता है क्या मतलब क्या फालतू भाई बता रहा, मतलब वो टाइप से लगेगा कि यहाँ पर कोई सीन वैसा बन नहीं सकता कि भाई री रेंडरिंग का, बट मैं दिखाता हूँ फिर भी एग्जांपल। बट यहाँ पर जैसे मैं बोल दिया, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ यहाँ से मतलब अचीव कर ले सकते हो और री रेंडरिंग को रोक के भी, ठीक है। तो कंसोल लॉग करते हैं यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या लिखे कि जैसे मैं लिखता हूँ मैं काउंटर कंपोनेंट हूँ, ठीक है, इस तरीके से उसको सेव करते हैं और यहाँ पे डेवलपर टूल्स को ओपन करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ दो दो बार लिख रहा है भाई, ये मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब
नॉर्मली बोल सकते हो यूजर को, मतलब एक भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ कि भाई ये ना ऐसे ही होता है, मतलब बिना रीजन के मैं बोल दूंगा कि भाई ये ना इसलिए होता है, ऐसा वैसे कुछ ही बोल दूँ, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है, बट कभी कभी क्या होता है इग्नोर कर भी देते हैं अपन कि हाँ मतलब देखो दिख रहा है ना भाई ऐसे। लेकिन यहाँ पे दो दिक्कत था, मेरे को बहुत स्ट्रेंज लगता था, मतलब कि भाई ऐसा क्यों है, एक ही बात जब हम लोग कर रहे हैं कि दो क्यों हो रहा है, क्वेश्चन आता था समझ में नहीं आ, बट एक दिन रैंडमली कुछ ट्राई किया था ना, उसके बाद से ऐसा हुआ। ये बताया भी था, ऐसा नहीं है, रिएक्ट 18 का जो फीचर है ना ऑटोमेटिक बैचिंग का, उसमें मैंने बताया था, तो यहाँ पे कुछ तो है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा। मेन जीएस से अगर ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देंगे ना तो ये चीज़ नहीं होता, पता नहीं क्यों भाई, मेरे को रीज़न नहीं पता सच में, लेकिन ऐसा मैंने देखा होगा कुछ रीज़न, जाने तो मेरे को क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आया ना, मैं काउंटर कॉम्पोनेंट हूँ क्योंकि भाई फर्स्ट बार रेंडर हुआ तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अब अगर इंक्रीज करते हैं तो ये फिर से रेंडर होता है, क्योंकि भाई जब वैल्यू चेंज हो गया और उस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, हमारा काउंटर एप्लीकेशन, तो क्या हुआ काउंटर एप्लीकेशन फिर से रेंडर होगा, तो फिर से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा। लेकिन मान लो सेम वैल्यू दो दो बार, मतलब मान लो ऐसा होता तो जैसे उस तरीके हम लोग कुछ यहाँ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर है बटन, जैसे एक बटन है तुम्हारा, क्या बोलते हैं भाई, ये रहा जो प्लस का इंक्रीज का, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इंक्रीज काउंटर के जगह पे मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर देता हूँ एक एनोनिमस फंक्शन और लिखते हैं स्टोर डॉट काउंटर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू सेम ही देते हैं, यानी कि भाई इस बटन पे क्लिक करने से 10 होगा और इस पे भी क्लिक करने से 10 नहीं सेट होगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार रिलोड करते हैं इस एप्लीकेशन को, और ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अभी कि भाई मैं काउंटर कंपोनेंट हूँ, रीसेट करते हैं तो वैल्यू चेंज हुआ, फिर से आया। अब इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं बट फिर भी क्लीन कर देते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे ये 10 सेट हुआ, ठीक है, वैल्यू चेंज हुआ तो भाई फिर से रीरेंडर हुआ, लेकिन फिर से इस पर भी क्लिक करने से 10 ही हुआ क्योंकि दोनों बटन हमने सेम ही दिया था। क्लिक करते हैं, देखो कितना भी क्लिक करोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब भाई जैसे मैंने बोला कि काउंटर एप्लीकेशन में इसका कोई कोई इज्जत ही नहीं है, काउंटर एप्लीकेशन में क्या ही भाई रीरेंडरिंग तुम अचीव कर लोगे, कोई मतलब नहीं बनता, अगर 1000 बार रीरेंडर हो तो भी अपने को क्या है, काउंटर एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पर क्लाइंट मतलब बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जहाँ पर वहाँ पर ना भाई रीरेंडरिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, ऑप्टिमाइजेशन का वैल्यू रहता है, ठीक है, तभी लोग चूज़ करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क को, गैट्सबी नेक्स्ट जेएस को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सीन है। लेकिन फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता दिया कि भाई ये ऑप्टिमाइजेशन का, और एक चीज़ इसका कहना है वो क्या है, और एक चीज़ क्या कि अगर आप मल्टीपल चेंजेस करते हो, ठीक है, सेम इवेंट लूप में, कहने से इवेंट लूप कहने का मतलब कि वो जो मतलब कोड जो अब यहाँ पर मैनुअली किया जा सकता है, या फिर जो भी कोड रन हो रहा है ना, मतलब जैसे आपने कुछ अपडेट किया उसके नेक्स्ट लाइन में भी कुछ अपने लिखा, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा, ठीक है, तो क्या सीन होगा कि ऐसा नहीं है कि एक अपडेट होगा और फिर नोटिफाई होगा। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दूंगा सब्सक्राइब वाला तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब एक होता है, सब्सक्रिप्शन एक इसका फीचर होता है, जैसे यूट्यूब पर आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसी का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी तरह का चीज़ होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है स्टोर को, तो इसमें ऐसा नहीं कि स्टोर का 10 चीज़ को चेंज करो तो 10 बार आपको बताया जाएगा कि भाई अब ना ये अपडेट हुआ, वो एक ही बार में बैच होता है, बैच अपडेट का ये मतलब होता है कि ना सारे को एक बार में लेके जाता है और फिर अपडेट करता है और फिर फाइनल आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो मैं सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो इसके बाद डाल दूंगा तो कैसे भी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको दिखाने से आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब का जो फीचर हो तो है ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप दो तीन चीज़ अपडेट कर रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो जैसे कि स्टेट डॉट काउंट इक्वल्स टू 50, फिर स्टेट डॉट पोस्ट डिलीट किया, ये क्या वो किया, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो चीज़ ना एक हुआ, मतलब होगा तो लाइन बाई लाइन ही, बट ऐसा नहीं कि एक होगा फिर उसको जिसने सब्सक्राइब करके रखा है स्टोर को तो फिर बताएगा भाई ये ना डिलीट हो गया, भाई ये ना अपडेट हो गया, एक बार में सारा करेगा लाइन बाई लाइन सारा कंप्लीट होगा, एक उसका जो एक ये में गया है, ठीक है, उसके बाद फिर एक ही बार में बता देगा कि अच्छा ये तीनों चीज हुआ है, किसी कोई अपडेट हुआ, कोई डिलीट हुआ, कोई जो भी हुआ एक बार में बता देगा, ठीक है। तो भाई मेरे और चीज लास्ट बता देता हूँ, जैसे कि आप निस्टेड ऑब्जेक्ट रख सकते हो, सेम यहाँ सेम टू सेम यहाँ पर आप निस्टेड प्रॉक्सी भी रख सकते हो, यानी कि मान लो कि स्टोर अलग अलग आप बना रहे हो, कहने मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो अलग अलग आप समझ लो स्टोर को बांट भी सकते हो। निस्टेड रखने का कोई सीन नहीं बनता, कोई लॉजिक थोड़ी बनता है, सेंस क्या बनता है निस्टेड करने का, लेकिन वही है कि अगर आपको उस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर में आप रखना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी इसको रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ कॉन्स्ट टेस्ट इस तरीके से, बस समझाने के लिए और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉक्सी इसी तरीके से लिखते हैं, प्रॉक्सी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट देते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है, और इसको क्या करते हैं काउंटर के जस्ट नीचे पे, यहाँ पे काउंटर जो हमने देख रखा है यहाँ पे, जैसे हम लोग लिखते हैं माई इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं या फिर ABC जो लिखना है, बस एग्जाम्पल के लिए भाई निस्टेड आप प्रॉक्सी भी रख सकते हो और यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पर टेस्ट दे देना है, ठीक है। अब ये हमने दे दिया, ठीक है, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो अपडेट भी करना, तो हम लोग ऐसे अपडेट कर सकते हैं स्टोर डॉट ABC डॉट
ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 200 इस तरीके से, या 2000 जो भी देना है, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे अगर इसका वैल्यू को भी एक्सेस करना है, देखो यहाँ पर अपडेट हमने किया ना तो वो दिख जाएगा वहाँ पर भी। काउंटर पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर आया ना, तो काउंटर के साथ साथ और भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। क्या है अगर स्टोर में अगर आप चेक करोगे भाई, तो क्या आ रहा है भाई, कोड एडिटर क्यों नहीं आ रहा है। स्टोर में इसको स्टोर में चेक करते हैं, स्टोर में क्या था, ए बी सी था ना, और ए बी सी में हमने टेस्ट प्रॉक्सी जो निसेट प्रॉक्सी रखा हुआ है ना, ये प्रॉक्सी इसके अंदर है, तो टेस्ट है, टेक्स तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, तो फिर ए बी सी के अंदर क्या आएगा, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ लिखते हैं ए बी सी, और फिर हम लोग और एक लेवल पर डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग देख सकते हैं एक्स का वैल्यू, बस एक एग्जाम्पल था कि भाई कैसे आप निसेट प्रॉक्सी को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरे यहाँ 200 आ रहा है, हमने तो 2000 दिया था ना, कितना था, अच्छा 200 दिया था, अगर इसको 2000 कर दे तो भाई 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निश्चित प्रॉक्सी को भी स्टोर कर सकते हो। तो बस यही सब था भाई, थियोरेटिकल था बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और जो भी था मतलब थियोरेटिकल था, ऐसा नहीं कि बोरिंग था भाई, कुछ भी मतलब हवा में मैं बात कर दिया कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रॉक्सी, जो इसका बेस एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी लैंग्वेज का होता है वेरिएबल और डेटा टाइप्स, इसी तरीके से वाल्टियो का एकदम बेस कॉन्सेप्ट है, प्रॉक्सी पे बेस्ड ही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पर।